मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक कांग्रेस के लीडर प्रियंक खड़गे ने आज एक ऐलान किया कि बजरंग दल तो हम बैन करेंगे ही और उस पर कभी भी बैन लग सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम आरएसएस को भी बैन करेंगे। उन्होंने अपनी बात में ये कहा कि जो भी ऐसा संगठन, चाहे वो पीएफ हो, बजरंग दल हो या आरएसएस हो, जो भी गुंडागर्दी करता है, कानून तोड़ने की बात करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, इनको हम बैन करेंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि ये आरएसएस को कर्नाटक में कभी भी बैन कर सकते हैं। हाल ही में केरला में 1200 मंदिरों से आरएसएस को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, मंदिर बोर्ड ऑफ कमेटी की तरफ से यह ऐलान किया गया और वजह बताई गई है कि आरएसएस मंदिरों में हथियार प्रशिक्षण करता है। हालांकि मंदिर पूजा करने के लिए होते हैं, ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं होते हैं, उसकी वजह ये बताई गई है। तो उसका मतलब ये साफ है कि आरएसएस को कभी भी कर्नाटक में बैन किया जा सकता है। और इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस के बैन से सब में बड़ा नुकसान होगा बीजेपी को। इस ऐलान के बाद से ना कि सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, ईसाई और हर वो हिंदू जो पढ़े लिखे हैं और सेकुलर है, काफ़ी खुश है ये ऐलान के बाद से। और इसमें कोई शक नहीं कि कर्नाटक में किसी भी वक्त आरएसएस को बैन किया जा सकता है। इस ऐलान के बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइदर रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल, who are going to sow seeds of discontentment, disharmony in Karnataka will not be tolerated. We will tackle them legally, we will tackle them constitutionally, be it Bajrang Dal, be it PFI, be it any other organization, we will not hesitate to ban them if they are going to be a threat to the law and order of Karnataka. We will not hesitate to ban them if they are going to do unconstitutional thing. We are not going to hesitate to ban them if they are going to do anything that will spoil the harmony of the state.